फिर गए बोलिए जी मैम, दिल्ली में पहले से जलभराव है, कल भी बारिश हुई, अभी कई इलाकों में वैसे ही जलभराव है जैसा कल परसों तक दिख रहा था। आईटीओ पूरा भरा हुआ है, एक बस रास्ता खुला जो आईएसबीटी का भैरव मार्ग का कल खुला था लेकिन फिर से बंद करना पड़ा, अभी क्या स्थिति है? देखिए अच्छी बात यह है कि यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, आज सुबह 8 बजे 206.02 तक यमुना का जलस्तर पहुंच गया और हमें उम्मीद है कि आज के दिन में वो खतरे के निशान से भी शायद नीचे चला जाए यमुना का जलस्तर। समस्या ये है कि कल रात को काफ़ी भारी बारिश हुई है कई स्थानों पर और अभी जहाँ जहाँ पर पानी भरा हुआ है पानी वहाँ से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि नालों में भी और यमुना में भी जलस्तर बहुत ऊंचा है, तो आखिरकार सड़कों से कॉलोनी से निकलकर पानी को ड्रेन्स में जाना है और ड्रेन से यमुना में जाना है। अक्सर जब ज़्यादा बारिश होती है तो हम इस पानी को पंप करके सड़कों से लेकर ड्रेन्स में डालते हैं और वहाँ से लेकर यमुना में डालते हैं, लेकिन अभी वहाँ का वाटर लेवल इतनी हाई होने की वजह से अभी इस पानी की कोई भी निकासी नहीं हो पा रही है। तो मेरी लोगों से आज यही अपील रहेगी कि बिल्कुल इमरजेंसी हो तो घर से बाहर निकलें, अगर इमरजेंसी नहीं हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर बारिश होती है और पानी भरता है तो उस पानी को पानी का स्तर घटने के लिए, पानी वहाँ से हटने के लिए यमुना का स्तर पहले नीचे जाना होगा, उसके बाद ही सड़कों से पानी हट सकता है। तो सभी मेरी दिल्ली वालों से अपील है कि सिर्फ इमरजेंसी में बाहर निकलें, वरना वो खुद भी परेशान होंगे और औरों को भी परेशानी का कारण बन सकते। पाबंदियां जो लगाई गई थी संडे तक, खासकर जो स्कूल बंद थे या सरकारी कर्मचारियों की वर्क फ्रॉम होम था, क्या वो आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको लगता है? देखिए आज देखते हैं, आज दिन में कितनी बरसात होती है, उस बरसात का दिल्ली में कितनी जगह पानी भरता है, कौन सी सड़कों को बंद करना पड़ता है, उसके आधार पर एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़रूरी चीज़ है रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम। तो अगर ऐसा लगता है कि स्कूल्स ऑफिसेज को एक दो दिन और बंद रखने से इस काम पे हम ज़्यादा जोर दे पाएंगे तो वो निर्णय भी ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन आई थिंक आज कितनी बरसात होती है, आज वाटर लेवल कितने तक पहुंचता है, तो उस आधार पर शाम तक डिसीजन लेंगे। जी मैम, दूसरा बड़ा मुद्दा है, कल आप लोगों ने कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा आरोप लगाया हरियाणा पे, बीजेपी पे, कि उनके कारण दिल्ली की स्थिति हुई। उधर से जवाब आया हरियाणा के एक मंत्री का कि आम आदमी पार्टी कैसे ब्लेम गेम कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। देखिए ये बिल्कुल साफ है कि हथनी कुंड बराज से तीन जगह पानी जाता है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हथनी कुंड बराज का लॉग दिखाता है कि जिन दिनों दिल्ली में पानी का स्तर खतरे के स्तर से ऊपर बढ़ रहा था उसके बावजूद हथनी कुंड बराज से एक बूंद पानी भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ा गया। इसको हम क्या समझें? क्या इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है? ये तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो हरियाणा हो चाहे ओके, तब वो तो साजिश कर रही है दिल्ली वालों के खिलाफ कि अगर तीन जगह पानी छोड़ने का इंतज़ाम है तो सिर्फ दिल्ली में क्यों पानी छोड़ा गया? इस बात पर तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश थी? क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है उसे रोका जा सकता था? क्योंकि आप देखिए दिल्ली में कल शाम को बरसात से पहले 5 दिन से एक बूंद पानी नहीं गिरा था, लेकिन दिल्ली की सड़कें, दिल्ली में कॉलोनियां पानी से भरी पड़ी थी, हज़ारों हज़ारों लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, रिश्तेदारों को घर के घर रह रहे हैं, उनको अपने घर और अपना सामान छोड़ के जाना पड़ा। तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हरियाणा के एक मंत्री का बयान है कि इलीगल इंक्रोचमेंट के कारण ऐसा जलभराव है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल मंत्री, उन्होंने भी कहा कि ये टीका टिप्पणी का समय नहीं है। देखिए पहले तो हरियाणा सरकार कहती है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और कल रात को मनोहर खट्टर जी खुद एक इंक्वायरी बैठा देते हैं जो ITO बराज पे गेट जाम हुआ। तो ये क्या दिखाता है? हरियाणा सरकार को भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी पता है कि जो बाढ़ दिल्ली में आई है, जो पानी छोड़ा गया है हथनी कुंड बराज से, जो ITO के गेट बराज के काम नहीं कर रहे हैं, हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है कि वो उसमें जिम्मेदार है। जी एक अंतिम सवाल मैम, बीती रात खबर आई कि प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे से लौटे तो उन्होंने उपराज्यपाल से बात की दिल्ली की स्थिति को लेकर, क्या आप लोगों की कोई बात है केंद्रीय मंत्री? देखिए अभी तक गजेंद्र सिंह शेखावत जी को छोड़ के किसी भी केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को संपर्क नहीं किया। आपको लगता है कि
किए जाने की जरूरत है, साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। देखिए हम तो चाहते ही हैं, हम तो जब 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 जरूरत पड़ी है हमने NDRF के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि आखिरकार जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जी ये आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये दिल्ली के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं। दिल्ली में इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं। अफसरों की लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पानी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी क्या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो सकती है। हम तो खुद आर्मी के साथ, NDRF के साथ काम करने को पहले दिन से ही हमने रिक्वेस्ट करी थी। कल भी नेवी के भी इंजीनियर्स आए हैं, नेवी की भी टीम आई है, ITO बराज के जो गेट जाम है, जो हरियाणा सरकार का बराज है, उसके लिए नेवी की भी टीम आई है। सौरभ भारद्वाज जी हमारे मंत्री खुद वहां पे साइट पे रात भर खड़े रहे हैं, नेवी टीम का भी उन्होंने स्वागत किया है। हम तो चाहते हैं कि साथ मिलकर काम हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र करेगी तो ये तो ठीक है। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी और चुनी सरकार में कहीं ना कहीं टेंशन दिख रहे, आपने जो आरोप लगाए थे कल एक तरह से चैट भी सार्वजनिक हुआ जिसमें आपकी बात जो अधिकारियों नहीं मान रहे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उल्टा आरोप लगाया कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सभी मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई जिलों की। देखिए ये बहुत स्पष्ट है कि एक अधिकारी को संविधान एक जिम्मेदारी देता है कि चुनी हुई सरकार जिसको जनता ने चुन के भेजा है उसके आदेश का पालन करना होता है अफसर को। कल सुबह 5:30 बजे से मैं बार बार अधिकारियों से, जो रेवेन्यू कमीशन रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अश्विनी कुमार जी, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल सेक्रेटरी हैं आशीष कुंद्रा जी, 5:50 पे मैंने उनसे व्हाट्सएप पे पहला सवाल पूछा था कि पिछली बीती रात को हथनीकुंड बनाज से ज्यादा पानी क्यों छोड़ा गया। 5 घंटे तक उनका कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली में एक आपातकाल की स्थिति है, एक मंत्री सवाल पूछ रहा है। 11 बजे जाके 5 घंटे बाद जब मैंने चीफ सेक्रेटरी को रिटर्न डायरेक्शंस दी तो उन्होंने जहमत करी कि वो मेरे सवाल का जवाब दे। कल सुबह से, पिछली बीती रात से खबर आ रही थी कि रिलीफ कैंप्स में समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, टॉयलेट्स की समस्या है। रात भर मेरे पास विधायकों के, काउंसलरों के, लोगों के फोन आ रहे थे। सुबह 8 बजे मैंने अश्विनी कुमार जी को कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मैंने उन्हें मैसेज किया, उन्होंने मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें 9 बजे फिर से कॉल किया, उन्होंने फिर से कॉल नहीं उठाया। मैंने अफसरों के ग्रुप में मैसेज डाला रिलीफ कैंप्स को लेकर, उन्होंने वहां पर जवाब नहीं दिया। तो ये क्या है? ये तो इनसबॉर्डिनेशन है। ऐसी आपातकाल की स्थिति में भी अगर अफसर चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानेंगे तो दिल्ली का क्या होगा? लेकिन वो कह रहे हैं लगातार बात होती रही मंत्री आतिश जी से। पहले बात हुई है, कई दिनों में बात हुई है इस दौरान, लेकिन जब एक आपातकाल की स्थिति है, जब रात रात भर दिल्ली सरकार के मंत्री साइट्स पे खड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम 3 घंटे बाद जवाब देंगे। 3 घंटे में तो क्राइसिस बीत कर किसी की जान जा सकती है, किसी एरिया में पानी भर सकता है, लोगों को इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ सकती है। वो डिविजनल कमिश्नर है इस पूरे DDMA के दौरान, वो नोडल ऑफिसर है, वो 3 घंटे के बाद जवाब नहीं दे सकते हैं। ये प्योर इनसबॉर्डिनेशन है, ये चुनी हुई सरकार की बात की अवमानना है, और इसका जवाब तो अफसरों को देना पड़ेगा। और इसीलिए फिर फाइनली मुझे 9:30 बजे, जब 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कोई भी रिस्पॉन्स अफसरों का नहीं आया, तब मैंने चीफ सेक्रेटरी को रिटर्न डायरेक्शंस दी हैं कि रिलीफ कैंप्स का मुआयना करिए, अफसरों से मुआयना करवाइए। तब जाके कुछ अफसर ग्राउंड पे उतरे हैं। फाइनली जब अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई है, उसके बाद से चीजें जमीनी तौर पर सुधरना शुरू हुई है। और आज मैं अभी भी रिलीफ कैंप्स में ही जा रही हूँ, सारे मंत्री जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अफसरों ने वहां पर पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था अभी तक नहीं करी है, ठीक से खाने की व्यवस्था नहीं करी है। अगर वहां पे कोई बीमार हो जाता है, किसी को खाना नहीं मिलता, कोई बच्चे को दिक्कत हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा?